Dear students, today we are going to discuss one important topic of semiconductor physics. Semiconductor physics में हम लोग सबसे important जो term पढ़ते हैं वह है semiconductor. हमने previous video में आपको बताया कि semiconductor होता क्या है. Semiconductor is such an element which has property in between a conductor and insulator. ठीक है, कोई भी मटेरियल कंडक्टर होता है और कोई भी मटेरियल इंसुलेटर होता है, उसके पीछे कारण क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर. चार्ज कैरियर का मतलब है वो आयंस, वो फ्री इलेक्ट्रॉन, वो होल्स जो हमें मदद करती है कंडक्टिविटी में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में. अगर मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बहुत ज़्यादा मौजूद है तो वो गुड कंडक्टर होगा. उसके अलावा भी एक कंसेप्ट है होल का. अभी हम लोग सेमीकंडक्टर में हम लोग देखेंगे अभी ये होल क्या होता है एंड हाउ इज होल प्रोड्यूस्ड. सिंपली वी कैन से लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन इज होल. जहाँ इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वहाँ पे हम इमेजिन करते हैं कि वो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हम लोग होल कहते हैं. तो ये होल को हम लोग पॉजिटिव चार्ज के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि दैट इज लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन इज निगेटिव चार्ज, तो लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट द पॉजिटिविटी. सो इसलिए होल को हम लोग पॉजिटिव के रूप में कंसिडर करते हैं. तो अगर किसी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब वैसे इलेक्ट्रॉन जो लूजली बाउंड है, न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड नहीं है, वो फ्रीली वो मोबाइल है, तो वो मदद करता है कनेक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में. उसी तरीके से अगर होल्स हमारे पास है दैट रिप्रेजेंट द पॉजिटिव चार्ज, तो वो भी हमें मदद करती है गुड कंडक्टर कनेक्टिविटी में. तो सेमीकंडक्टर को दो कैटेगरी में रखा गया है. मैंने पहले बताया था इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक. इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में मैंने बताया है, ये प्योर कंडक्टर होता है, प्योर सेमीकंडक्टर होता है, मतलब इसमें कुछ बाहर से कुछ भी हम उसमें मिलाते नहीं है, जिसे कहते हैं इम्प्योरिटीज, कुछ नहीं मिलाते, नथिंग. जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, दिया टेट्रावैलेंट एटम. टेट्रावैलेंट का मतलब क्या है? चार. टेट्रा मतलब चार, चार वैलेंसी होगी, चार इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना. तो सिलिकॉन, जैसे आप देखो सिलिकॉन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है? चार है, तो इसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं. हमने बताया था सिलिकॉन का क्रिस्टल क्रिस्टल जो होता है वो किस तरीके से होता है, वो चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो किसी दूसरे एटम सिलिकॉन एटम के साथ वो यूज होता है. इसलिए चारों इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री नहीं है, वो चारों बॉन्ड से कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है. इसके बगल में भी सिलिकॉन होगा ना, इसके बगल में भी सिलिकॉन होगा, इसके बगल में भी सिलिकॉन होगा, तो हर सिलिकॉन का चार एटम होगा, है ना. तो चारों, ये एक सिलिकॉन एटम चार सिलिकॉन एटम से घिरा होता है ना. इस प्रकार आप देखोगे कि ये इससे 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 ये चारों, तो ये एक सिलिकॉन का एटम चारों जो एटम का चारों जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, यूज्ड है, मतलब यूज किया हुआ है, इसलिए फ्री नहीं है. तो नॉर्मली जो सिलिकॉन होगे या जर्मेनियम का भी यही कंसेप्ट है, जर्मेनियम में चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इट्स आल्सो टेट्रावैलेंट. तो सिलिकॉन हो या जर्मेनियम में, दिस इज जीरो केल्विन टेम्परेचर पे, जीरो केल्विन मतलब -273 ऑलमोस्ट डिग्री सेल्सियस पे ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इस पे सारे इलेक्ट्रॉन्स यूज है, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन. तो दिस, ये जो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, जिसमें चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज है, ये इंसुलेटर होता है एट जीरो केल्विन, इसमें बाहर से कुछ भी हमने मिलावट नहीं किया है, कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं डाला है, तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर. वी कॉल इट इंट्रेंसिक. आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है ना, व्हाट इज एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर. तो एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, जिस तरह से हमने बताया सेमीकंडक्टर, ये जो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर है वो प्योर होता है, तो नेचुरली एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर जो होगा वो प्योर नहीं होगा, वो इम्प्योर होगा. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर. ओके, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर बहुत सिंपल टॉपिक है, ये बहुत आसान टॉपिक है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट. तो सबसे पहले सिंपल बात आपने समझ में आ गई आपको, कि जो एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो इम्प्योर होता है ना, क्योंकि इसमें हम बाहर से कुछ इम्प्योरिटीज मिक्स करते हैं. तो
दिस इज इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। क्यों इम्प्योर है? क्योंकि इसमें हम बाहर से मटेरियल मिक्स करते हैं। दिस इज इम्प्योर। व्हाई? बिकॉज वी मिक्स इम्प्योरिटीज, जो बाहर से जो मटेरियल मिक्स करते हैं उसे हम लोग नाम क्या दिया है, इम्प्योरिटीज। वैसे कॉमनली इसको इम्प्योरिटीज का मतलब होता है गंदगी, है ना, लेकिन यहाँ पर उसे जो, चूंकि वो फॉरेन मटेरियल है, फॉरेन मतलब बाहर से जाना हुआ चीज़ है, तो वो फॉरेन मटेरियल जो है वो उसे इम्प्योरिटीज कहा गया है। सो बिकॉज वी मिक्स इम्प्योरिटीज इनटू इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर टू फॉर्म एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, तो ये जो आपका सेमीकंडक्टर, तो नेचुरली है कि इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, जैसे हमने बताया सिलिकॉन एंड जर्मनियम, उसमें अगर फॉरेन मटेरियल या कोई इम्प्योरिटीज मिक्स कर देते हैं तो वो इम्प्योर बन गया और वही कहलाया एक्सट्रेंसिक। तो इंट्रेंसिक में इम्प्योरिटीज मिक्स करेंगे तो बन जाएगा एक्सट्रेंसिक, सिंपल। ये जो प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज है, ये जो हम इम्प्योरिटीज ऐड कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, इस प्रोसेस को एक नाम दिया गया है, डोपिंग, DOPING, डोपिंग। ओके, और जो इम्प्योरिटी हम मिक्स करेंगे उसे हम लोग कहेंगे डोपेंट, है ना। सो प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग इम्प्योरिटीज इनटू इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर टू फॉर्म एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर इज नोन एज डोपिंग। इंपॉर्टेंट टर्म है, डोपिंग कहते हैं। दी इम्प्योरिटी, जो इम्प्योरिटी हम मिलाते हैं, डैट वी मिक्स, डैट वी मिक्स विथ इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर इज नोन एज डोपेंट, DOPANT, डोपेंट। ठीक है, तो जो इम्प्योरिटी मिलाएंगे उसे डोपेंट कहेंगे, और इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट बात, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको मालूम होनी चाहिए, ये तो मटेरियल मिक्स करते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, ज्यादा वॉल्यूम में नहीं मिक्स करते। इसकी जो रेशियो होती है वो 1:10^6 होती है। याद रखिए, वी मिक्स डोपेंट, डोपेंट मतलब वो इम्प्योरिटी से है, विथ इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर इन रेशियो 1:10^6। मतलब सोचो कि 10^6 अगर क्वांटिटी है, अमाउंट है मटेरियल की, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर की, तो उसमें सिर्फ वन पार्ट हम डालते हैं डोपेंट। मतलब आप सोच सकते हैं कि 10^6 अगर एटम्स हैं, फॉर एग्जांपल हम कोरिलेट कर रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स से,
तो अगर 10^6 आइटम्स हैं किसके इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, तो उसके लिए हमें एक एटम ही डालना होगा ये डोपेंट का। तो बहुत ही कम मात्रा में हमें जो डोपिंग होती है डोपेंट की मटेरियल हमें डालनी होती है, राइट। सो दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट टू कीप इन माइंड, ओके। अब सवाल है कि हम ये करेंगे क्यों, आखिर हम इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में ये इन फॉरेन जो मटेरियल्स है इंप्यूरिटीज डालेंगे क्यों, क्यों मिक्स करेंगे, क्यों डोपिंग करेंगे। डोपिंग इसलिए करेंगे क्योंकि इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो जीरो केल्विन पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, चार्ज पार्ट कंडक्टिविटी काफ़ी पुअर होती है। लेकिन जब हम उसमें डोपिंग कर देते हैं तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, वो कैसे बढ़ती है वो भी देखेंगे। तो डोपिंग इज डन, डोपिंग किस लिए कहा जाता है, डोपिंग इज डन टू इंक्रीज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी है ना। तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है डोपिंग से, मतलब कह सकते हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो बेटर कंडक्टर होता है देन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, एक्सट्रिंसिक की कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, ओके। नाउ अब हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग डोपिंग करते हैं, कौन से एलिमेंट में किस तरह का एलिमेंट का डोपिंग होता है। देखो हमने बताया कि सिलिकॉन और जर्मेनियम यही बेस है ना, इसको बेस मान के चलते हैं जनरली, जिसे इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर कहा गया है। तो जो भी डोपिंग करेंगे वो किस में करेंगे, सिलिकॉन या जर्मेनियम में करेंगे। अब ये सिलिकॉन जर्मेनियम जो है, मैंने पहले बताया कि ये टेट्रावेलेंट एटम है। तो आप सोचो कि सिलिकॉन और जर्मेनियम टेट्रावेलेंट एटम है, तो हम ऐसा समझेंगे कि सपोज हमने डाल दिया सिलिकॉन जर्मेनियम में एल्युमिनियम या बोरोन है ना। तो एल्युमिनियम और बोरोन जो है वो क्या है, एल्युमिनियम और बोरोन क्या है, दिस इज ट्राइवेलेंट, दिस इज ट्राइवेलेंट। तो सबसे पहला स्टेप आपको ये समझना है कि डोपिंग with trivalent atom, trivalent मतलब जिसका वैलेंसी तीन होगा, जैसे सिलिकॉन का वैलेंसी चार है, चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो trivalent का मतलब है उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, तीन होगी, जैसे बोरोन, बी फॉर बोरोन, एल्युमिनियम एक्सेट्रा, हमने एग्जांपल दिया। अब थोड़ी देर के लिए सोचो कि हमारा ये बोरोन है, ये बोरोन का आइटम है, ठीक है। तो बोरोन के पास तीन ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हमने उसको मिक्स कर दिया सिलिकॉन में। तो जब सिलिकॉन में मिक्स करेंगे तो ये सिलिकॉन, सपोज बोरोन सिलिकॉन से घिर गया, सपोज एक बोरोन आइटम सिलिकॉन से घिर गया। अभी देखो हर सिलिकॉन की चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस तरीके से समझो, ये जो हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं ये बताता है कि किस तरीके से बोरोन और सिलिकॉन के बीच में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग का शेयरिंग। तो सिलिकॉन का चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हर सिलिकॉन जो है ये इधर भी कहीं से जुड़ा हुआ होगा किसी सिलिकॉन से, सपोज इस तरह से आप डायग्राम बना लो, हर सिलिकॉन का इस तरीके से ये डायग्राम ड्रॉ कर लो। चार इसलिए बनाया कि चार इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, चार अलग अलग एटम के साथ ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, ओके। ये सिलिकॉन की चार है तो नेचुरली एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन हो गया ना। सपोज ये इस सिलिकॉन ही लेके चलते हम लोग, तो ये सिलिकॉन का चार ये हो गया, ये भी सिलिकॉन होगा, इसको भी आप ले लो, इधर भी कोई सिलिकॉन होगा है ना, ये भी सिलिकॉन है, ये बोरोन है, एक बोरोन का इलेक्ट्रॉन,
एक सिलिकन का इलेक्ट्रॉन, एक बोरोन का, एक सिलिकन का, एक ये सिलिकन का होगा, इधर भी सिलिकन लिख दिया हमने, ध्यान से देखो ये भी सिलिकन लिख दिया, व्हाटएवर। तो इस तरीके से आप देखो कि ये सिलिकन लिख दिया, ये इससे इससे मैच कर रहा है, इससे इससे, हर दो एटम आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, दो दो एटम से एक इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिलिकन एक एटम दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया और ये एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। लेकिन यहाँ पे खास बात देखो, ये बोरोन के पास, सिलिकन के पास चार इलेक्ट्रॉन है वैलेंस, तो चार चार सबको पास है, देखो चार हमने शो किया है, हर सिलिकन के पास चार इलेक्ट्रॉन है, ओके। लेकिन इस बोरोन के पास सिर्फ तीन इलेक्ट्रॉन है, जो ये है एक ये, तो ये बोरोन का आइटम हुआ, ये बोरोन का इलेक्ट्रॉन हुआ और ये बोरोन का इलेक्ट्रॉन हुआ। लेकिन यहाँ पे देखो बोरोन के साथ ये खाली है, या ब्लैंक, हमने एक सर्किल बना दिया, मतलब बोरोन चूंकि ट्राइवैलेंट है, बोरोन की वैलेंसी कितनी है? तीन है, 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये नहीं दे पाया, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक कमी है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, लैक ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इन फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तीजी कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है सिलिकॉन और बोरोन के बीच में, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। चूंकि लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव के रूप में, है ना, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव, रिप्रेजेंट पॉजिटिव वैल्यू, तो इसे ही कहा गया है होल, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड होल। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं होल। होल का मतलब है देयर इज अ गैप, देयर इज अ लैकिंग देयर, जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आप वो चाह रहे हैं, इट नीड्स वन इलेक्ट्रॉन टू फिलफिल हेयर, तो एक होल। और होल को हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव के रूप में कंसीडर करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है तो पॉजिटिव नेचुरली है। अभी होता क्या है, उसी तरह से अल्यूमिनियम में भी एक अल्यूमिनियम का वैलेंसी तीन है, तीन इलेक्ट्रॉन है, सेम कंसेप्ट होगा इसका। तो इस प्रकार यहाँ पे ये होल डेवलप हुआ। अभी होल क्या होता है, होल से क्या फायदा होगा हमें, होल से फायदा ये होगा कि ऐसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को अगर आप थोड़ा सा वार्म करेंगे, रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा गर्म करेंगे, तो एनर्जी लेकर के इसका कोई एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन वो टूट जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स ना। व्हेन वी मिक्स या डोप ट्राइवैलेंट एटम विथ सिलिकन और जर्मेनियम विथ टेट्रावैलेंट एटम लाइक सिलिकन एंड जर्मेनियम, देन ए होल इज फॉर्म्ड ड्यू टू लैक ऑफ वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बोरोन, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैंने दिया है बोरोन के बाद। अब ये होल क्या है, जब हम इसको, इस मटेरियल को हम हीट करते हैं, दिस इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। पॉजिटिव मतलब होल पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव बना, होल बना, पी टाइप सेमीकंडक्टर, याद रखने में आसानी हो जाएगी आपको। पी टाइप का मतलब है पॉजिटिव मतलब होल, तो इसका मतलब है जब होल डेवलप हो रहा है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। अगर ऐसे मटेरियल को गर्म किया जाए, इफ दिस सेमीकंडक्टर, ये कौन सा सेमीकंडक्टर हुआ, एक्सट्रिंसिक हुआ, क्योंकि इसमें मिलावट किया गया है। इफ दिस सेमीकंडक्टर इज हीटेड, इसे गर्म किया जाता है, देन क्या होगा, देन कोई भी एक इलेक्ट्रॉन जो है
इसका कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाता है, सपोज ये टूट गया, इलेक्ट्रॉन ब्रेक्स कर जाता है, देन एनी वन इलेक्ट्रॉन ब्रेक्स द कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, टूट जाएगा, उसको एनर्जी आपने दिया तो ये बॉन्ड से ये अलग हो जाएगा, दूर हो जाएगा, तो ये ब्रेक्स द कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाता है। और टूटने से क्या होगा, टूट करके ये क्या जाएगा, ये फ्री हो गया, है ना, टूटा तो ये फ्री हुआ, आजाद हुआ, तो ये क्या करेगा, चूंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन तेजी से यहाँ पे रन करके इसको फुलफिल कर देगा, तो यहाँ पे होल खत्म हो गया, यहाँ होल खत्म हो गया, लेकिन यहाँ होल पैदा हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा, है ना, चूंकि हमने इसको गर्मी की हीट दी, एनर्जी दी, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के दौड़ा, और इस चूंकि ये तो फ्री हो गया उस समय, तो फ्री है तो वो कहीं भी देखेगा कि उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पे, तो यहाँ पर तो पॉजिटिव एक रिक्वायरमेंट थी इलेक्ट्रॉन की, तो ये इलेक्ट्रॉन दौड़ करके यहाँ आया, इसको भर दिया, तो ये होल खत्म हो गया, मतलब यहाँ पर अब होल फिनिश हो गया, लेकिन उसका असर क्या हुआ, यहाँ पर एक होल बन, नया होल बन गया ना। उसी तरीका से अगर और फिर आप उसको आप और हीट कंटिन्यू रखें, तो हो सकता है कि यहाँ का बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टूट जाए, ये टूट गया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन दौड़ करके यहाँ आ गया, है ना, तो ये होल खत्म हो गया, यहाँ होल पैदा हो गया, तो आप देख रहे हो एक तरीके से होल मूव कर रहा है। अगर हम उल्टे ढंग से सोचें, रिवर्स ट्रैक में सोचें, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि होल यहाँ से यहाँ आया, होल यहाँ से यहाँ आया, और ये कंटिन्यू रहेगा, तो इट्स सिमिलर टू मूवमेंट ऑफ होल, आप एक समझ सकते हो कि होल मूव कर रहा है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जब उसे वार्म करते हैं, उसको हीट करते हैं एट रूम टेम्परेचर पे, तो वो क्या होता है, उसकी होल जो है वो मूव करने लगती है, एंड दिस मूवमेंट ऑफ होल हेल्प्स इन कंडक्टिविटी। वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, कंडक्टिविटी में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं काम कर रहा है, एक्चुअली में होल मूव कर रहा है ना। देन एनी वन इलेक्ट्रॉन ब्रेक्स द कोवेलेंट बॉन्ड एंड fills the hole, but and the hole is finished, hole जो है finish हो गया, but another hole is produced, तो इस तरीके से ये कंटिन्यू रहता है और होल मूव करने लगता है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल की मदद से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में डोपिंग किससे किया जाता है, ट्राइवेलेंट एटम, जैसे बोरोन या अल्युमिनियम, राइट। उसी प्रकार सेकेंड टाइप ऑफ डोपिंग है, जिसमें हम लोग ट्राइवेलेंट ना करके पेंटावेलेंट एटम से डोपिंग करेंगे, पेंटावेलेंट। तो याद रखना, ट्राइवेलेंट से हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, जिसमें होल फॉर्म कर जाता है और उससे वार्म जब करते हैं, हीट देते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो क्या होता है, होल मूव करने लगता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन मूव करता है, लेकिन उसको रिवर्स में अगर आप सोचेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये तो होल मूव कर रहा है। सो इन पी टाइप सेमीकंडक्टर होल जो है वो हेल्प करता है गुड कंडक्टिविटी में। नाउ सिमिलरली सेकेंड टाइप जो है वो है ये कि डोपिंग विथ पेंटावेलेंट, पेंटा मतलब पांच, पेंटावेलेंट एटम, है ना, पेंटावेलेंट एटम। तो पेंटावेलेंट एटम में कौन हुआ, आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस, एटसेट्रा, ये सारे मोस्ट बेटर एग्जाम्पल्स हैं, ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसका। पेंटावेलेंट मतलब पांच इसकी वैलेंसी होगी। अब सोचो कि सपोज हम आर्सेनिक लिया, है ना, आर्सेनिक के पास पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और इसको सिलिकन में डाल दिया, तो सिलिकन के पास तो चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिलिकन इसके साथ जुड़ेगा, ठीक उसी प्रकार जैसे प्रीवियस डायग्राम हमने बनाया था, वही डायग्राम है,
ठीक है। आप यहां देखो आर्सेनिक पर गौर करो, सिलिकन के बाद चार है, तो चार इससे हर सिलिकन चार चार अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये सिलिकन के ये इलेक्ट्रॉन है, तो इस सिलिकन की एक, एक सिलिकन की एक, चार इलेक्ट्रॉन मिल गया इसको सिलिकन की तरफ से। इसका तो पांच है, इसने एक यहां दिया, एक यहां दिया, एक यहां दिया, एक यहां दिया, चार हुआ, और पांचवा यहां पर फ्री है। पांचवा तो यूज ही नहीं हुआ, पांचवा तो इस्तेमाल हुआ ही नहीं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, दिस इज फ्री फिफ्थ, पांचवा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ आर्सेनिक। ये जो पांचवा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो फ्री है, जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, सब किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में इस्तेमाल नहीं हुआ, दिस हेल्प्स इन कंडक्शन। तो चूंकि यहां पे ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ गई तो ये हमें कंडक्टिविटी में मदद करेगा। तो यहां पे जो सेमी, ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना डोपिंग करने के बाद, इंप्यूरिटीज में आने के बाद, उसमें जो चार्ज कैरियर के रूप में सामने आया वो फ्री इलेक्ट्रॉन आया। इसके पहले हमने देखा था पी टाइप में होल मदद कर रहा था मूव करके, लेकिन यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन मदद करेगा हमें कंडक्टिविटी में। चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव होता है, निगेटिव मतलब एन फॉर निगेटिव, तो एन फॉर एन टाइप सेमी कंडक्टर। तो ऐसे सेमी कंडक्टर को क्या कहते हैं, एन टाइप सेमी कंडक्टर। तो लिखेंगे व्हेन वी मिक्स पेंटावैलेंट एटम इन टेट्रावैलेंट सेमीकंडक्टर, देन वन इलेक्ट्रॉन, वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ पेंटावैलेंट के पास पांच इलेक्ट्रॉन था, चाहिए चार ही, तो एक तो फ्री बच गया ना। पेंटावैलेंट एटम, यहां पर क्या लिखा हमने, आर्सेनिक फॉर एग्जांपल, बिकम्स फ्री बिकॉज, क्यों फ्री है, क्योंकि इसका यूज इस्तेमाल नहीं हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड में, बिकॉज इट इज नॉट यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एनी कोवेलेंट बॉन्ड, इन फॉर्मेशन ऑफ एनी कोवेलेंट बॉन्ड ओके। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन हेल्प्स इन कंडक्टिविटी, ओके कंडक्टिविटी। चूंकि इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव मतलब एन, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। तो दिस इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो आपने देखा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमें कंडक्टिविटी में कौन मदद करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। पी टाइप सेमीकंडक्टर में कौन मदद करता है, होल, है ना। तो ये हेल्प करता है हमें, दिस हेल्प्स इन कंडक्टिविटी, ओके थैंक यू।